बदायूं के महंत की फोन कॉल डिटेल से कई बड़े खुलासे हुए हैं और इन खुलासों से पता चलता है कि महंत के दिमाग में क्या चल रहा था। दरअसल जिस दिन इस घटना को अंजाम दिया गया उसी दिन सुबह से पुजारी ने कई बार महिला को फोन किया था। मोबाइल पर जब पुजारी का नंबर देखा तो बेटे ने अपनी माँ को बताया कि पुजारी जी का फोन आ रहा है और इसके बाद माँ मंदिर की ओर चली गई। दरअसल मृतक महिला पूजा पाठ में विश्वास करती थी और अपने पति का इलाज भी वो पुजारी से करवा रही थी और इस दौरान ही वो पुजारी के काफी नजदीक आई। शाम को करीब 4 बजे महिला नहा रही थी तभी पुजारी का फोन आया। ये सूचना महिला के बेटे ने उसे दी और उसके बाद महिला मंदिर चली गई। महिला के बेटे का कहना है कि माँ पैदल ही गई थी और रात 11 बजे आरोपी उसे हमारे दरवाजे पर डालकर चला गया। बेटे ने कहा कि रात के वक्त पुजारी ने दरवाजे पर आवाज लगाई, वह आवाज पहचान कर बाहर आया और दरवाजा खोला तो बस पुजारी ने इतना ही कहा कि उसकी माँ कुएं में गिर गई है। इतना कहकर तीनों लोग गाड़ी में बैठकर चले गए। जब उसने देखा कि उसकी माँ की सांसें बंद थी, पुजारी एक गद्दा और माँ का मोबाइल भी वहीं फेंक कर चला गया। जब महिला की स्थिति खराब होती गई तो परिवार जनों ने पुलिस से भी गुहार लगाई लेकिन पुलिस ने कोई मदद नहीं की। अब सवाल उठता है कि आखिर सुबह से पुजारी महिला को फोन क्यों कर रहा था? क्या सुबह से उसने इसका इरादा कर रखा था? ऐसे कई सवाल है जिनका जवाब ढूंढने में पुलिस नाकाम रही है। हालांकि पुलिस आरोपी की कॉल डिटेल कंगाल रही है और दूसरे सबूत भी खोज रही है। हालांकि कई गांव वालों का ये भी कहना है कि शाम को महिला के साथ उसका पति भी था और दोनों एक साथ मंदिर की ओर गए थे। हालांकि परिजन कह रहे हैं कि वो अकेली ही गई थी लेकिन कई कोशिशों के बाद ही महिला का पति अब भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। हाँ इतना जरूर है कि कॉल डिटेल से साफ हो जाता है कि पुजारी महिला को काफी शिद्दत से याद कर रहा था। इसके पीछे क्या कारण है ये पता लगाया जाना बाकी है। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।